प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने आज सरकार पर खनन और शराब माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा शपथ ग्रहण पर कहा गया था कि 3 माह के अंदर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति कर दी जाएगी। प्रीतम सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि जहां केंद्र सरकार देश में जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है, वहीं अभी तक उत्तराखंड में लगभग 1 वर्ष होने पर भी सरकार द्वारा लोकायुक्त नियुक्त नहीं किया गया। साथ ही आरोप लगाते हुए कहा कि इससे साफ जाहिर होता है कि खनन और शराब माफियाओं को खुलेआम संरक्षण दिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस मांग करती है कि भाजपा सरकार तुरंत लोकायुक्त की नियुक्ति करे। प्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, सरकार गठन के बाद इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एक ही नारा लगातार देते आ रहे हैं और वो नारा ये है कि भ्रष्टाचार पर हमारा जीरो टॉलरेंस। शपथ लेते ही प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 3 महीने के अंदर लोकायुक्त लाने का काम करेंगे। आज 10 महीने का कार्यकाल हो गया है, लोकायुक्त का कहीं अता पता नहीं। कभी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लोकायुक्त लाएंगे, कभी कहते हैं कि हम आयोग बनाएंगे, कभी कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। ये कैसी सरकार है? और मैं कह सकता हूँ कि मुख्यमंत्री के बयान से स्पष्ट हो गया है कि ये सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना नहीं चाहती। और हम सरकार से कहना चाहते हैं, हम मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं, आपके नाक के नीचे नीचे जो है खनन में जो है निश्चित रूप से घोटाला हो रहा है, शराब आवकारी में निश्चित रूप से घोटाला हो रहा है, लेकिन सरकार बेपरवाह है। खनन माफियाओं को, शराब माफियाओं को संरक्षण देने का काम ये सरकार कर रही है। और हम सरकार से कहना चाहते हैं कि मजबूत लोकायुक्त जो है आप लाने का काम कीजिए ताकि भ्रष्टाचार पर अंकुश लग सके।